la 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 कलेआना जाना साढ़े नाल नाल चल लो जी अदाकार फिल्म साजो हिदायतकारार सैद कमाल की फ़िल्म अजदियाँ कुड़ियाँ में छः कुड़ियाँ थीं जिनमें से दूसरी कुड़ी अदाकारा डिम्पल इंतकाल कर गई गुड्डू फिल्म मार्क की जानिब से यूट्यूब पर सबसे पहली ख़बर दी जा रही है कि माजी की अदाकारा डिम्पल इंतकाल कर गई और अफसोस कि डिम्पल के इंतकाल की ख़बर किसी को ना हुई ना इनके साथी फ़नकारों को और ना किसी दूसरे जराए को बहरहाल दुख के साथ साथ सबसे बड़ा दुख ये हुआ कि ये इतने प्यारे फ़नकार किस ख़ामोशी से चले जाते हैं और कहीं इनकी कोई ख़बर नहीं किसी को मिलती न बीमारी की न किसी और परेशानी की बिल्कुल इसी तरह जब हमने अदाकारा सीमा की ज़िंदगी का आखिरी एक यादगार इंटरव्यू किया तो उसमें चंद सवाल रह गए थे और उनके जवाब लेने के लिए जब मैंने उनको फ़ोन किया तो पता चला कि दो माह हो गए सीमा जी का इंतकाल हो गया मुझे बहुत दुख हुआ दुख के साथ साथ हैरानी भी कि किसी साथी फ़नकारा को उनके इंतकाल की ख़बर का ना पता चला जो कि बहुत अफ़सोसनाक बात है ये कलमिया है ऐसा नहीं होना चाहिए मौत जिंदगी तो अल्लाह के हाथ में सभी ने जाना है मगर इस तरह ख़ामोशी से कोई चला जाए और उसके लिए कोई दो लफ्ज मकफ़रत के बिना पढ़ सके तो ये भी बहुत दुख की बात है बहरहाल माजी की अदाकारा डिम्पल का इंतक़ाल हुआ उसका मुझे बहुत दुख हुआ अब मैं आपको बताता हूँ कि डिम्पल के इंतकाल की ख़बर मुझे किस तरह हुई मेरा शुरू से एक इरादा था कि मैं फ़िल्म अजदियाँ कुड़िया के ये छः कुड़ियों का और लड़कों का ज़रूर इंटरव्यू करूँगा जैसे भी मुझे मौक़ा मिलेगा और मैंने सबसे पहले अदाकारा निम्मी का एक यादगार इंटरव्यू किया जो कि फ़िल्म अयदियाँ कुड़िया में शामिल थी यूँ समझो कि फ़िल्म अजियाँ कुड़िया की पहली कुड़ी थी वो और फ़िल्म अजियाँ कुड़िया का शुमार मेरी पसंदीदा फ़िल्मों में होता है इन फिल इन अदाकारों में जब मैंने निम्मी का इंटरव्यू किया तो उसके कुछ अर्से बाद निम्मी का इंतकाल हो गया मगर मैं ये बात दावे से कहता हूँ कि YouTube पे ये एक वाद इंटरव्यू है मेरा और मुकम्मल जो कि मैंने निम्मी का लिया था और यूट्यूब पे अपने चैनल गुड्डू फिल्म आर्काइव पे शेयर किया था उसके बाद दूसरी कुड़ी जो थी वो सायका जी थी उनका मैंने किया वो हयात हैं अल्लाह ताला उनको सेहत दे ज़िंदगी दे खुश रहें और तीसरी कुड़ी डिम्पल जो अब हमारे दरमियान नहीं अल्लाह ताला इनकी भी मफ़रत करे बाकी अदाकारा फ़रजाना नमीन ताजिक और खानम और सक़ा जी हयात अल्लाह ताला उनको सेहतमंद ज़िंदगी के साथ खुश वर्म रखे इसी तरह इनके साथ जिनके पैर थे उनमें बदर मुनीर साहब से भी मेरा इरादा था इंटरव्यू का लेकिन वो उन तीनों बीमार थे अदाकार नाजिम जो कराची में ही थे उनसे मेरी कई बार मुलाकातें हुई और एक बार मेरी अरकायब का दौरा करने को भी उन्होंने कहा मगर चंद मजबूरी की वजह से वो ना आ सके लेकिन मेरा उनसे रबता था अब वो भी दुनिया में नहीं अल्लाह ताला उनकी मफफ़रत करे फ़िलजियाँ कुड़ियाँ में डिम्पल के साथ उनका डिम्पल के साथ उनका पेयर था बहुत प्यारे नफीस इंसान थे उसके बाद अली अजाज़ साहब उनसे भी मुला, मेरी मुलाकात हुई मगर इंटरव्यू करने का मौक़ा ना मिल सका आज वो भी हमारे दरमियान मौजूद नहीं अदार औरंगज़ेब औरंगज़ेबैरून मुल्क में हैं जमशेद अंसारी वो भी आज हमारे दरमियान नहीं जो हयात हैं अल्लाह ताला उनको सलामत रखे और जो दुनिया से चले गए अल्लाह उनकी मफ़रत करे जब हमने डिम्पल का इंटरव्यू का इरादा किया तो हमें मालूम हुआ कि क्लिफ्टन के करीब एक मरूफ़ अदकारा के पड़ोस में अदाकारा डिम्पल रिहाइश पज़ीर हैं तो हमें बड़ी खुशी हुई हमने इंटरव्यू के साथ साथ अपनी फिल्म अरकायब से मुंतखब उनकी फ़िल्मों का नायाब कलेक्शन जिनमें उनकी पहली फिल्म अजियाँ कुड़िया और डायरेक्टर इकबाल अख्तर की फ़िल्म शर्मीली का बुकलेट पोस्टर चंद तस्ावी और इसके अलावा इकबाल यूसुफ़ साहब की फ़िल्म जलजला जिसमें उन्होंने रानी के हमरा काम किया था और बल्कि एक गाना था मैं हूँ पतली कमर वाली रानी इसमें आप देखेंगे कि वो उनके साथ रक़ भी कर रही हैं उसकी कुछ तस्वीर वग़ैरह मैंने उनके लिए रखी ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये जलजला के सेट पे ली गई थी रानी मरहुमा के साथ एक यादगार तस्वीर है अब तो दोनों ही मरहुमा हो गई अल्लाह ताला मकसरत फरमाए आमीन तो ये सब कुछ मैंने उनके इंटरव्यू के लिए एक रखा था मगर जब मुझे कुछ पता चला कि हमारे एक दूर के अज़ीज़ हैं उन्होंने डिम्पल से शादी की हुई है तो मैंने अपना इरादा जो इंटरव्यू का था मुलतवी कर दिया इसलिए कि मैं नहीं चाहता था कि जो मेरे अज़ीज़ हैं उनको मेरे बारे में पता चले कि मैं इस शुबे से वाबस्ता हूँ मेरी कुछ मजबूरियाँ थीं जो मैं नहीं चाहता था बहरहाल वक्त गुजरता रहा मेरा माइंड मेकअप तो था सब कुछ कि मैं कभी इंटरव्यू करूँगा कलेक्शन भी बना के रख दी थी फिर अचानक मुझे पता चला कि उनके दरमियान अलहदगी हो गई है तो फिर मैंने इरादा किया कि चलें मैं डिम्पल जी डिम्पल का इंटरव्यू करूं। वही हमारे अजीज़ जिनका मैं आपको बता रहा हूं, उन आ, उनके बारे में ये बताऊं कि उनके ख़ानदान में किसी ने अदाकारा बिब्बो के छोटी बहन से शादी की थी उसके अलावा उनको बड़ी मालूम थी क्योंकि जिस जगह वो पाकिस्तान चौक में रहते थे नीचे तो वहाँ रोज़ीना और उनकी बहन राहिला और उनकी फैमिली रहती थी वो क्लिनिक था वहाँ पे एक जहाँ ये बच्चे वग़ैरह की पैदाइश होती है तो बहुत उन्होंने मुझसे बात की जो इन फिर किसी नश्स में मैं आपसे शेयर करूँगा बहर हाल जब हमने देखा कि अब मौका है कि मैं जाके के का इंटरव्यू करूं हम अपनी तैयारी के साथ जब उनकी रिहाइश गाह पहुँचे तो पता चला कि जी वो यहाँ से पंजाब शिफ्ट हो गई हैं वो घर उन्होंने छोड़ दिया सहन में आया कि जाके मालूम करूं जिस मरूफ अदाकारा के पड़ोस में ये रहती हैं तो मेरे जहन में ख़्याल आया कि वो मरूफ अदाकारा से मेरी कुछ नाराज़गी थी या वो भी मुझसे नाराज़ थी अब मैं जाऊंगा तो कहेंगी वैसे तो मिलने आया ही नहीं और अब देखो खबर लेने के लिए किसी और की मेरे पास आए तो मैंने वहाँ जाना मुनासिब नहीं समझा कि मैं पूछूँ कि भाई डिम्पल आजकल कल कहाँ हैं खैर हमारे एक अजीज़ थे जो मेरे फ़िल्म इंडस्ट्री के ही हैं वो बड़ा शौकीन है भी है पुराने तो उनकी ज़बानी जब मैंने उनको बताया कि मैं लाहौर जा रहा हूँ और मुझे डिम्पल का इंटरव्यू करना है तो उन्होंने मुझे कहा अरे किसका इंटरव्यू करोगे वो तो अल्लाह को प्यारी हो गई मैंने कहा क्या कह रहे हो कह मैं सच कह रहा हूँ मैं आपसे एक बात शेयर करूँ कि उसकी आदत थी कि वो ज़िंदा को मार देता था सेहतमंद को बीमार कर देता मजाक में तो मैं भी मजाक ही समझ रहा था मगर वो वजिद था कि नहीं मैं ये बात सच कह रहा हूँ लेकिन मुझे यकीन नहीं आया ना ही मैं मतमिन हुआ सो मैंने इरादा किया कि लाहौर जाऊँगा तो वहाँ मैं मालूम करूँगा लाहौर में बहुत फिरा मुझे डिम्पल का कोई पता या कोई ऐसी खबर नहीं मिली बहर हाल फिर मुझे खोज लगाई मैंने तो एक मरूफ अदाकारा, जो उर्दू पंजाबी फ़िल्मों की मरूफ हैं, उनकी ज़बानी पता चला कि हाँ गुड्डू उसका इंतकाल हो गया वो बीमार थी और फिर पंजाब में ही उनके अजीजों ने उसकी तदफीन कर दी और किसी को ख़बर ना हुई बड़े अफसोस की बात है मुझे बड़ा दुख हुआ बहुत ज़्यादा कि मैं आपको लफ्ज़ों में अपनी जो वो दुख दुख की जो कैफियत है उसको नहीं बता सकता बयान नहीं कर सकता इसलिए कि अफसोस बात का होता है कि देखो पता भी नहीं चलता कैसे आ, आर्टिस्ट चले जाते हैं दुआ ही कर सकता हूँ अल्लाह ताला उनकी मफ़रत करे आमीन क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं कि मैं कोई टॉप के स्टार्स को ही खराज तहसन पेश करूँ गुडो फिल्म आर्काइव का मकसद पाकिस्तान के ए टू जेड तमाम फ़नकार चाहे कोई मेकअप आर्टिस्ट हो जिन्होंने मेकअप की ट्रे लेके खड़े हुए या किसी की मूछ लगाई है या किसी का मेकअप किया है तो मैं उसको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री का जो स्टेज है ना उसकी बुनियादों में ए टू जेड तमाम फनकारों का लहू शामिल है और मैं तमाम फनकारों को खराज तहसीन पेश करता हूँ सो आखिर में दुआ गोहूँ डिम्पल के लिए कि अल्लाह ताला उनकी मफफ़रत करे और उनके अलावा यकीन को सब्र जमील अता फरमाएँ आमीन